हेलो दोस्तों, वेलकम टू डी सरस्वती एकेडमी चैनल। आज हम क्लास टेंथ के इंग्लिश के एक चैप्टर द प्रपोजल के एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्तों, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो आज का प्रश्न है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमोव। हमें लोमोव के कैरेक्टर स्केच के बारे में लिखना है, ठीक है। इसका आंसर है इन द प्ले द प्रपोजल बाय एंटन चेकोव। एंटन चेकोव के नाटक द प्रपोजल में लोमोव इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। लोमोव मुख्य पात्रों में से एक है। ही इज अ वेल्दी लैंड ओनर। वह एक अमीर जमींदार है। हु इज 35 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड। जो 35 साल का है और अविवाहित है। ही वॉज एनेक्सियस टू गेट मैरिड। वह शादी करने के लिए उत्सुक था। एज ही हैड ऑलरेडी रीच्ड अ क्रिटिकल एज। क्योंकि उसकी उम्र काफी पहले ही गंभीर हो चुकी थी। सो ही डिसाइडेड टू प्रपोज टू अ गर्ल इन द नेबरहुड। इसलिए उसने पड़ोस की एक लड़की को प्रपोज करने का फैसला किया। लोमोव थॉट दैट। लोमोव ने सोचा कि शी वॉज अ गुड हाउसकीपर। वह एक अच्छी गृहिणी थी। एंड वॉज नॉट बैड लुकिंग। और बुरी नहीं दिखती थी। फर्दर शी वॉज अनमैरिड। इसके अलावा वह अविवाहित थी। लोमोव वॉज अ फनी कैरेक्टर। लोमोव एक मजाकिया किरदार था। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पैल्पिटेशंस। वह घबराहट की बीमारी से पीड़ित था। He behaved as if he were eccentric. उसने ऐसा व्यवहार किया मानो वह सनकी हो। He was so eager to marry Natalia. वह नतालिया से शादी करने के लिए बहुत उत्सुक था। But when he came to propose to her, लेकिन जब वह उसे प्रपोज करने आया, He started quarreling over trifles. तो वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगा। He quarreled on issues like oaks and meadows. उसने घास के मैदान जैसे मुद्दों पर झगड़ा किया। And also on pet dogs named Squeezer and Gess. और Squeezer और Gess नाम के पालतू कुत्तों के ऊपर भी। ही इवन abused Natalia एंड हर फादर Chupukov while quarreling। झगड़ते समय उसने Natalia और उसके पिता Chupukov को गाली भी दी। However, he lacks self-confidence। हालांकि उसमें आत्मविश्वास की कमी है। And keeps beating about the bush instead of starting matters clearly। और वह मामले को स्पष्ट रूप से शुरू करने के बजाय इधर उधर भटकता रहता है। He is a comical character। वह एक हास्य पात्र है। Who was not learnt। जिसने नहीं सीखा है। The wise lesson of proper discrimination। उचित भेदभाव का बुद्धिमान सबक। बिटवीन द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस। विभिन्न स्थितियों के सापेक्ष महत्व के बीच। इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द टॉपिक ऑफ प्रपोजिंग रोमांटिकली। रोमांटिक तरीके से प्रपोज करने के विषय पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय। He keeps on foolishly asserting his claims over oaks and meadows।
वह मूर्खतापूर्ण तरीके से घास के मैदान पर अपना दावा जताता रहता है। ही इज चाइल्डिश अनइंटेलिजेंट एंड फुलिश। वह बचकाना ना समझ और मूर्ख है। हु स्टबॉर्नली कीप्स ऑन आर्ग्यूइंग विथ द लेडी। जो हठपूर्वक उस महिला के साथ बहस करता रहता है। हु सीम्स टू बी द ओनली पर्सन ही कुड मैरी। जिसे लगता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिससे वह शादी कर सकता है। ही डज नॉट इवन हेजिटेट। वह हिचकिचाता भी नहीं है। टू हर्ल एब्यूजेस एट द चुबुकोव फैमिली। चुबुकोव परिवार को गालियां देने से। व्हेन ही गेट्स इनटू हीटेड आर्ग्यूमेंट्स। जब वह गर्मा गर्म बहस में पड़ जाता है। ओवर ऑक्सन मीटोस एंड द डॉग्स। घास के मैदान और कुत्तों पर। हीज स्टबॉर्ननेस एंड इमैच्योरिटी। उसकी जिद और अपरिपक्वता। ऑलमोस्ट रियून द सोल प्रोस्पेक्ट ऑफ मैरिज। शादी की एकमात्र संभावना को लगभग खत्म कर देती है। तो यही था इस प्रश्न का उत्तर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।